हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स एंड कैरेक्टराइज देम ऑन अकाउंट दैट व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी हैव कैरेक्टराइज द वेरियस एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ द व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, वी हैव डन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक देयर फिजिकल स्टेट। वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन देयर अबाउट देयर हार्डनेस दैट मेटल्स आर हार्ड और सॉफ्ट। And we have done one more physical property that was lustrous, that metals are lustrous, they have shiny structure and the non-metals are non-lustrous or dull. In this video we will discuss rest of the physical properties. Let's, without any wasting time, let's start with our first physical property, that is malleability. What is malleability? Have you seen thin sheets? हम अगर देखें कहीं पे जो हमारे गेट हैं आयरन, जो हमने लोहे के गेट लगवाए होते हैं, डोर, आयरन डोर्स ना, वो थिन शीट्स के बने होते हैं। वो थिन शीट्स, उस शीट्स जब हम किसी भी एलिमेंट को बीट करके, मतलब किसी एलिमेंट से उसकी थिन शीट्स बना सकें, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मैलेबिलिटी। सो व्हाट इज़ मैलेबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम विच थिन शीट्स कैन बी मेड। थिन शीट्स, समझ में आ गया? शीट्स, जैसे शीट्स, ऐसे सोचो जैसे हमारे घर पे भी होता है ना, जैसे आपके बेंचेस होते हैं, या बेंचेस लगा लो, या आपकी जो वैन है, योर वैन, स्कूल बसेस, उनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ ऑफ आयरन, आयरन की होती है ना, वो लोहे की बॉडी होती है, वो लोहे की शीट्स होती हैं, पतली पतली शीट्स। दैट शीट्स, दैट प्रॉपर्टी जिससे वो शीट्स बनती हैं, प्लेन शीट्स बन जाती हैं, पतली पतली शीट्स, दैट इज़ नोन एज मेलेबिलिटी। सो मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, मीन्स मेटल्स जितने भी हैं हम उनसे, उनको बीट करके, ठीक है, थिन शीट्स बना सकते हैं। देर इज़ वन एक्सेप्शन ऑफ जिंक। जिंक की क्या एक्सेप्शन है कि व्हेन वी बीट जिंक, जब हम जिंक को पीट, मतलब तोड़ते हैं, ठीक है, हथौड़े से तोड़ते हैं, शीट्स जो हथौड़े से बनती है ना, हम बार बार उसको हैमर से मारते हैं तो वो प्लेन हो जाता है। ओके, जब हम जिंक को हैमर से मारते हैं, इसके पीसीज हो जाते हैं, टूट जाता है, जैसे हमारा ग्लास टूट जाता है ना, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेज। सो देयर इज़ वन एक्सेप्शन इन मेटल्स, दैट इज जिंक। तो जिंक की शीट्स नहीं बनती है, रेस्ट ऑल द मेटल्स आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। इसी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, ठीक है, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, या हमारी एल्युमिनियम की बॉडीज़ बनती हैं वेरियस, जैसे एरोप्लेन वगैरह की, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेलेबिलिटी। सो मेटल्स आर मेलेबल एक्सेप्ट जिंक, एंड द नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, दे आर ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को हथौड़े से मारें, दैट ब्रेक्स इनटू पीसीज, उसके अगर पीसीज हो जाते हैं, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ब्रिटल। सो ऑल द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ओके, सेकेंड इज डक्टिलिटी। देर आर टू प्रॉपर्टीज, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी मेकिंग थिन शीट्स, सो डक्टिलिटी इज मेकिंग थिन वायर्स। इट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज मेकिंग थिन शीट्स एंड द अदर वन इज मेकिंग थिन वायर्स। ओके, डक्टिलिटी में क्या है? वेन वी मेक थिन वायर्स फ्रॉम द मेटल, जैसे अगर हम किसी चीज़ से थिन शीट्स बना रहे हैं, अगर वो चीज़ शीट्स बनाने के टाइम नहीं टूट रही है, तो इट मीन्स हम उसकी थिन वायर्स भी बना सकते हैं। सो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, वी कैन मेक थिन वायर्स फ्रॉम दैट। जैसे हमारे, अगर आपने स्कूल में चेक किया हो, तो आपकी जो विंडोज़ हैं वहाँ पे आयरन की वो जाली लगी हुई है ना, उसमें बारीक बारीक वायर्स होती हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डक्टिलिटी। वो क्यों है? क्योंकि आयरन इज़ अ मेटल एंड इट इज़ डक्टाइल इन नेचर, सो इट कैन, सो वी कैन मेक थिन वायर्स फ्रॉम एलिमेंट्स। सो आर मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर एंड द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अगर हम इससे शीट ही नहीं बना सकते, तो वी कांट मेक द वायर्स फ्रॉम दैट। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड थर्मल? I have told you the meaning of this word in the previous class also and in the previous chapter also. I have told you that thermal means, agar kahin pe bhi thermal word aata hai, it means that word is associated with heat.
So what is thermal conductivity? Means the property of an object to allow heat to pass through them. जब ये अपने में से heat को pass करने देते हैं, that property is known as thermal conductivity. Okay? So our metals are thermally conductive. They allow heat to pass through them. जैसे हमारे घर पे जो utensils हैं in which we make our food, हमारे वो utensils aluminium के बने होते हैं, ठीक है, copper के बने होते हैं, और या हमारे वो स्टील के बने होते हैं. वो क्यों होते हैं स्टील वगैरह के? अगर उनमें से हीट पास ही नहीं होगी तो हम वो यूज़ क्यों करेंगे? वी यूज़ दैम सो दैट आर फूड इज़ कुक्ड, ताकि हमारा खाना पक सके. खाना कब पकेगा? जब हीट ट्रांसफ़र होगी. हीट ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह. सो ऑल द मेटल्स आर थर्मल कंडक्टिविटी. मेटल्स हैव थर्मल कंडक्टिविटी. दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम. बट देर इज़ वन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ बिस्मिथ. This is one exception. You have to learn the exceptions because these are very important. कि किसी अगर सारे metals allow कर रहे हैं heat को pass करना, तो कोई तो ऐसा metal होगा कि जो नहीं allow कर रहा. That is bismuth. इसकी अपनी कुछ properties हैं, ये allow नहीं करता heat को अपने में से pass होने देना. Okay? Non-metals, they do not allow. इनमें से heat pass नहीं होती है. जैसे wood. वुड में से हीट पास होती है? नो. कार्बन में से हीट पास होती है? नो. हाइड्रोजन में से होती है? नो. दीज आर नॉन मेटल्स, इनमें से हीट पास नहीं होती. लाइक हियर इज वन एक्सेप्शन ऑफ बिस्मिथ. देयर इज वन एक्सेप्शन ऑफ डायमंड. जो डायमंड है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. रेस्ट ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. यू नो व्हाट इज कंडक्टर? जो अलाउ करते हैं पास होने के लिए हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, दैट आर कंडक्टर्स. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मिथ, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट डायमंड. नेक्स्ट इज आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मीन्स दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट्स वाई जो हमारे घर में फिटिंग होती है, वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करवाते हैं ना, हम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स लगवाते हैं, उन वायर्स में जो अंदर वायर्स लगी होती हैं दैट आर ऑफ कॉपर की लगाते हैं हम, या वो एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं, ठीक है. सो दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम. अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट वी डू नॉट यूज, एक तो हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते हैं. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर सबसे ज़्यादा कोई बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जिसमें से पूरी हीट पास ऑन होती है, दैट इज़ सिल्वर. स्टिल वी डू नॉट यूज़ इट इन द फिटिंग. मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाते हैं जब हम घर पे, वायर्स करवाते हैं, वायरिंग करवाते हैं घर में, वी डू नॉट यूज़ सिल्वर. सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते हैं हम? और एक हम यहाँ पे आयरन यूज़ नहीं करते हैं. दो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं हमारी फिटिंग के लिए. सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? सिल्वर इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके तो ऑर्नामेंट्स बनते हैं. ये क्या होता है? ये इकोनॉमिकली हमारे लिए क्या बोलें कि हम फाइनेंशियली हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. इट इज़ वेरी कॉस्टली. अगर हम लोग तो ज्वेलरी बनाते हैं सिल्वर की, कैन वी यूज़ दैट सिल्वर इन फिटिंग? तो कितनी महंगी होगी वो. सो इट इज़ नॉट फाइनेंशियली अफोर्डेबल. सो वी दैट्स वाई वी डू नॉट यूज़ सिल्वर इन द फिटिंग. ओके, इन द इलेक्ट्रिकल फिटिंग ऑफ आर हाउसेस. आयरन को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये गर्म जल्दी हो जाता है, इसमें से हीट ज़्यादा पास करती है. और हमने, अगर याद हो आपको, पिछली क्लास में पढ़ा था शॉर्ट सर्किट वगैरह. वो शॉर्ट सर्किट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ से हीट ज़्यादा पास होने की वजह से वायर्स गर्म हो जाती हैं और आग लग जाती है. दैट्स वाई आयरन इज़ नॉट यूज, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है, इसमें ये गर्म जल्दी हो जाता है. ओके, सो these are our good conductors of electricity, whereas non-metals, these are bad conductors of electricity. They do not allow current to pass through them. And the last property, last physical property is sonority. Sonority, any guesses what is the meaning of sonority and what is sonority? Sonority का मतलब होता है, जैसे सबके घरों पर bells लगी होंगी, door bells लगी होंगी, या घर छोड़ो, आप लोग साइकिल्स तो सब चलाते हो, बाईसाइकिल्स. ओके, आपके पास साइकिल्स हैं. साइकिल्स के ऊपर जो बेल लगी होती है वो क्या कभी प्लास्टिक की बेल होती है, या कभी वो वुडन की बेल देखी है आपने? वो किसकी बनी होती है? आइदर इट इज़ ऑफ आयरन और स्टील, ठीक है, इन्हीं की बनी होती हैं. तो सोनोरिटी का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट को हम
उसके ऊपर किसी एलिमेंट से हम ऐसे ठक ठक करें, मतलब कि अगर हम किसी एलिमेंट को किसी और हार्ड एलिमेंट के साथ टच करवाएं तो वहाँ पे रिंग की साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट रिंगिंग साउंड इज नोन एज सोनोरिटी। तो जो हमारे मेटल्स हैं दैट आर सोनरस, ये सोनरस हैं। कैसे, अगर आयरन का आपके रूम में बोर्ड है, ये जैसे दिस इज़ माई बॉटल, ये आयरन की है, लगाऊंगी इस पर आवाज़ आ रही है ना टंकी, तो दैट प्रूव दैट जो हमारे जो हमारे मेटल्स हैं दैट आर सोनरस इन नेचर, मीन्स दे प्रोड्यूस अ रिंग साउंड, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमारी जो डोर बेल्स हैं या हमारी जो हमारी साइकिल्स की बेल्स हैं दैट आर मेड फ्रॉम मेटल्स, वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन सोनरस, मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर टच्ड विद एनी अदर एलिमेंट। अगर मेरे पास एक आयरन का कुछ रॉड है, मैं उसको टच करूँगी किसी वुडन स्टिक से या किसी भी चीज़ से, इट विल प्रोड्यूस अ साउंड, दैट साउंड इज नोन एज सोनोरिटी। लेकिन अगर मेरे पास कोई नॉन मेटल है, इफ आई एम हैविंग हाइड्रोजन इन माई हैंड, और अगर मैं उस हाइड्रोजन को टच करवाऊँगी इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो वहाँ पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, इट मीन्स आर नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस इन नेचर। सो दैट्स ऑल द physical properties. Okay, in the next video we will start with our chemical properties of metals and non-metals. So that's all for today. Thank you.